अच्छा, आप कहते हैं कि CIA को तफ्तीश दी जाए। जी सर, दे देते हैं। सर मैं 7 दिन पहले आया था आपके पास। ये लिखा है इधर जी, वो कोशिश कर रहे हैं, वो इश्तेहारी है, विहाड़ी का रिहायशी है, ये पीछे पड़े हुए हैं उनके जी, लेकिन इंशाल्लाह करके देंगे आपको, ठीक है। CIA वालों के भी जिम्मेदारी लिखा देंगे, ठीक है, तो डबल हो जाएगी आपको, आपने सही पहचाना। थैंक यू सर, नवाज़ साहब, ठीक है। ये CIA वालों को बता दो, वो भी इस पर काम करें, पकड़ें इसको और बरामदगी कराएं इसकी, ठीक। थैंक यू। SHO से बात कराओ। हाँ, इसलिए SHO के भी जिम्मे लगाएंगे और ये भी समझेंगे। सर जी, ये ना सारी लड़ाई हुई सी, ते असी गए उत्ते मंडी सादगंज, ते ना मेरे बंदे नू ते मेरे देवर नू फाड़ के अंदर कर दिता, ते मैं ना बेहोश हो गई सर, मेरे आ भी जख्म सन आ भी, ते मैंने छुरियां मारियां ने, ते उन्होंने ASHO च ना जिहड़े हैगे रियाज, उन्हें मैंने ठुडे भी मारे ने, ते नाले उन्हें मेरे वाल पट्टे ने, ते नाल लोटे नाल पानी पाया। मैनू आंदा इत्थे ना भी इत्थे हैगा नहीं गा भी जिहड़ा तेरे डॉक्टर नहीं बैठे जिहड़े तेरे हैल्प करनगे, ते मैं आख्या सी मैनू तां होश कोणी सी, ते उन्हां लोटे नाल गंदा पानी मेरे सिर ते मूँह ते पाया। ठीक है, ये आपकी लड़ाई है किसके साथ? ये लड़ाई साडा बदरिया है। क्या है? बदरिया मेरे बंदे दा, आ मेरा बंदा बैठा, ते ओ ना सर जी, रिश्तेदारी क्या है? भतीजा है। भतीजा है, ते ओ ना सर जी जगह है 4-5 मरले। अच्छा। ओ मेरा सहुरा सानू दे गया सी जिहड़ी ओंदे वंडे चाई सी, ओ वेच के ते सऊदी अरब जांदा रहा सी, ते हुण आ कोई लड़ाई च ना भी हुण थोड़ा जा भी ओ थोड़ा गल गुण सटण लग गए ने। जमीन का मसला है? हां जी, वो हल नहीं हो रहा। हां नहीं हो रहा, वो किधर कर रहा है? रियाज जेड़ा ओ नहीं कर, वो तो जाति तो हम देख लेंगे, अब ऐसे चीजों को बताते हैं। हाँ जी, ठीक है। ते फिर लेकिन माना बुनियादी मसला क्या है? जब पांच मरले जाति जमीन है जी, वो नपदे हैं जदू साडा है, वो 8-10 दिन दा वो कब्जा कर रहे हैं। ते फिर ये मसला भी आप का हल करते हैं। हाँ जी, ते फिर नहीं जदू जाने ना, मैंने वीडियो है ये मेरे खवार, मैंने ना फड़ के मार देने, कोई कुटदे ने मैंने। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इस पे इंक्वायरी कराते हैं। हाँ जी, ठीक है, इंक्वायरी में दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा और आपका मसला भी हल कराते हैं। इस पे मैं 2 लिखता हूँ, ठीक है। एक SHO ने मसला हल करना है, ठीक है, वो भले किधर लेके जाए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में लेके जाते हैं, जो लेके जेड़ा बंदा सर जी जेड़ा बंदा रखना सी शान माज, वो रखिया नहीं गे, शानियां रख दी थी। ठीक है, और इंक्वायरी कराएंगे किससे जी? आपका मसला भी हल करेंगे बुनियादी बिठा के, ताकि ये आप परचो वर्चो से भी जान छूटे। अच्छा। और ये पुलिस वाला का भी समझता है, ठीक है क्या? हाँ जी, बड़ी मेहरबानी। ठीक है, आप को ये बताएंगे फिर। और गर्मी च गए सन, तो भी ना अपने बस आप आ गए हैं तो आप देखेंगे। हाँ, SHO को भी हम पूछेंगे, इसमें इंक्वायरी के बाद फिर देखेंगे कि किस किस को शोकाज इशू होना है, किस को क्या इजाजत देनी है, लेकिन इंक्वायरी लग गई इसके ऊपर। अब्दुल रहीम, अच्छा, ये इंक्वायरी तो आपके खिलाफ आ गई है। मेरे मोहतरम, ये हमें पूरी उम्मीद थी, हम रणदीप साहब के ऊपर, मेरी वाला साहब भी आके बयान दे गए थे, मैं भी बयान दे गया था, इसने कहा था जी मैंने ये इंक्वायरी किसने की है? नक्शे अमन के चार मैंने चाबी पहले थे, साल तो चेंज हो गए। सदाकत ना है कब्जा का, इसमें कोई सदाकत ना है। दरहाज देने का दूसरा जाली और बोगस रजिस्ट्री के बाबत पुलिस ने मेरी दुकान पे कब्जा करवाया है, उसमें उन्होंने इंक्वायरी की तो कोई सदाकत नहीं है, इनका मामला है एंटी करप्शन में। एंटी करप्शन में जेर समात है आपका मुकदमा, और रेवेन्यू में भी जेर समात है। अनरेबल बात इतनी है कि ये मेरी दुकानें किराए पर थी, तो 5 दुकानें जिसमें 3 किराएदार हैं मेरे, किराया नामा में चल रहा है, और वो मेरे दुकानदार किराएदार के
सामान के अंदर इसने ताले लगा दिए पहले। उस वक्त ये कहता है जी नक्शे अमन हो रहा है, मैं इसलिए इसको ताला लगाया हुआ, जब जो अदालत फैसला करेगी वो करेंगे। मैं और मेरी वालदा ने की थी, नदीम इकबाल ने सर, नदीम इकबाल ने तो चेंज हो गया था आपकी। हाँ चले, इंक्वायरी के खिलाफ आ गई है, अब इसको आपको मजीद क्या चाहिए? अब क्या सर, उसने फिर 28 तारीख को जन्म हमारे मुखालफ वो एक वहाँ पर साफी है जहद लखवेरा, उसको चाबियां देकर हमारे किराएदार का सारा सामान जब उन्होंने साबित नहीं किया ना अपने ये सर, उसके बाद दोबारा यकम को कर दिया सर उसने, कि पहले पहले चाबियाँ उसके पास थी, उसके बाद दोबारा सामान ही उसका सारा उठा दिया सर, ये यकम को, ये यकम 11 को सर मैंने 15 पे कॉल भी किया। आपकी दोबारा इंक्वायरी करा लें जी, दोबारा इंक्वायरी करवा लें सर, मौके पे इंस्पेक्टर साहब जाके बयान ले लें सर, मौके पे जो थाना ठीक है इसके ऐसा जी वो मौके। अभी आसिफ सईद साहब को हमने लगा दी है इंक्वायरी, ठीक है डीएसपी लीगल को, तो वो समझदार भी है, मामला कुछ तरह को समझता भी है, इंशाल्लाह हम हकीकत तक पहुँचेंगे फिर इंसाफ। ठीक है जी, अल्लाह खैर। सर जवेद जेडू मेरा भैया है जी, कल वो अज वाले शरीफ का साता सीगा, उदा वाले फौत होया रात 4 बजे कल दिन, वो दुकान पर आया सौदा लैन नाल करीब, उस करके दुकान है सौदा लेना है नासर बाजवा साहब और जवेद एक हमइयो छोरा पुलिस वाला, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया बिना वर्दी दुकान पर, मैं राम लोकल गड्डी से, मैं यार मेहरबानी करो ये मामला की है, उन्होंने आख्या जी तेनों नहीं पता तू जामन दे, लेकिन उसका तो रिकॉर्ड भी लगा हुआ है ना, देखो वो बता रहे हैं ना सर, वो ही तो बता रहे हैं, कोई चीज़ उसके घर गए, कोई चीज़ बरामद नहीं हुई, कोई कुछ नहीं, उन पकड़ा ने रात 20,000 रुपया मैं किसी बंदे को फ़ोन कराया, 20,000 रुपये वाजपेयी साहब ने मंगा मेरे को, 20,000 रुपया उन वक्त देवे तो छोटा मोटा पर्चा दे देने, मैं सर गरीब बंदा वो घर तो आटा भी नहीं है, 20,000 किस चीज़ दे देवा, मेरे को तो आप को मैं तो मुथाज बंदा, मैं से आदि सरकार। आपका क्या है ये जी, ये बंदा आपका क्या है? ये मेरा बहनोई है, ₹2,000 ਲਾਇਆ ₹5,000 ਲਾਇਆ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ₹35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸੈਂਡ ਉਧਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ₹2,500 ਆਪਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿਏ ਰਹਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੇਸਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਥਾਣਦਾਰ ਨੂੰ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪੈਸੇ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰਚਾ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਬ ਹਮ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਉਸਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਛੋੜਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ 50 ਲੀਟਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਨ ਉਸ 50 ਲੀਟਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਲਫ ਦਿੰਨੇ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਖਾਲੀ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਭਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪੀਤੀ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਲਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਸਕੀ ਹਮ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਸਪੀ ਸਰ ਕੋਲ ਬਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਉਧਰ ਇਧਰ ਲਗਵਾ ਦੀ ਹੈ ਹਮਨੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਸਿਫ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਵਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਮ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤ ਕਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰਿਸਨ ਲੰਬਾ ਛੋਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਵੇਚਦਾ ਅਭੀ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਤੋ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋ ਵਾਰਡ ਗਵਾਰਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰਫ ਦੇਣਗੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਲੈਣ ਪਰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕਹੂਗਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਹੋਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ अच्छा आप साहब का पुलिस मुलाजिम है जी सर कब रिटायर हुए हैं ये अभी 1.5 माह हुआ है सर अच्छा टांगे टूट गई थी मेरी दोनों ही अच्छा तो ये पैसे आपने किसको दिए थे ये मेरे बेटे ने कारोबार किया था एक तो वो लेन देन लाहौर से था एक पार्टी उससे सामान उठवा के दे दिया उसे 2 लाख दे दिए 4 लाख अभी तक नहीं वो लाहौर वाले हमें तंग कर रहे वो मेरा चेक ले गए अब करें हम आपके खिलाफ कराएंगे चलिए आप जाने नहीं कि आपका मसला हम हल करेंगे मेहरबानी ठीक है एस एच ओ को ठीक है SHO डिवीजन ठीक है एक सर वो क्वार्टर का मैंने परसों में पेश हुआ था जनाब अच्छा सैफुल्ला साहब ये आपके पास आएंगे आपके ये पुलिस मुलाजिम है साहब का अभी रिटायर हो गए हैं मोहम्मद खालिद रहमान तो वो कह रहे हैं कि 2 लाख दिए हैं मजीद 2 लाख नहीं दे रहा किसी को ने सामान बेचा था तो ये मसला आप उनका हल कर दें ठीक है ये वाला मसला आपका हल करते हैं अभी दूसरा मसला बताए वो क्वार्टर का था सर वो जो मैंने कल परसों पेश हुआ था जनाब
वो कह रहे हैं जी अभी डेढ़ माह हुआ है तो वो खाली कहा था इनको सस्ता प्लाट दे कॉलोनी से। आपके लिए हमने किसी को ये भी कहा हुआ था ना कि किसी के जरिए से हम सस्ता प्लाट आपको दिलाएंगे, वो भी दिलाएंगे इंशाल्लाह आपको किस्तों पे, क्या आप उसमें पे कर सकें। वो हमने हमारी किसी से बात हो गई है, अब उसको सिर्फ एग्रीमेंट अगर आपके साथ फिर करवाएंगे ठीक है, इसलिए उनको दोबारा मिलवा भी लो ठीक है, ताकि आपको वो भी बन जाए, इसमें सहूलत आपको देंगे ठीक है। कितने में सौदा हुआ? डेढ़ करोड़ का हुआ था, 1,25,00,000 रुपये सर दिया है उसको। ये मामला सर मियां फिदाउस साहब के पास भी चलता रहा है, MPS साहब के पास, उन्होंने सालस मुकर्रर किए थे सर, सालसों ने फैसला कर दिया था, मियां फिदाउस ने फैसला कर दिया था, बंदा भाग गया, फैसले से ही भाग गया था। अच्छा जी सर, ये 10 साल पुराना इशू है सर? है कुछ 7 साल हो गए सर, चल रहा है मैटर, पहले पेशी वगैरह चलती रही, मियां फिदाउस साहब के पास चलता रहा मामला हमारा, काफ़ी देर चलता रहा। तो आप अब वो भाग गया बंदा, मियां फिदाउस साहब के फैसले से ही भाग गया, जो मियां फिदाउस साहब ने फैसला किया है। चले ये कौन सा ताना बनता है सर, मिचना बात है सर। अच्छा माजिद, ये इशू तो पुराना है, आमिर इरशाद आया हुआ है ठीक है, इशू इसका पुराना है, लेकिन इसी तरह के पुराने इशू पर जब हल नहीं होते तो मसाइल लोग मुबतला होते हैं, कभी किधर जाते हैं कभी किधर जाते हैं ठीक है ना जी। तो ये आपके पास आएगा, ये एक दफ़ा मेरा हाल है कि मियाँ साहब ने वगैरह के किसी ने 20 में सालिसी भी की है जी सर, उस साल बाग गए हैं, काफ़ी पैसे इन्होंने दे दिए हैं, मज़ीद कुछ पैसे उन्होंने देने हैं, तो या ज़मीन दे या इंतकाल नहीं कर, इस तरह की बात है ना, मुझे काफ़ी पैसे इसने दे दिए हैं 10 साल में, 5-6 साल में ठीक है। ठीक है सर, करते हैं सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसके पास कोई CCTV फुटेज नहीं है, इसने जाके निकलवाई है सर एक दुकान से, एक रिक्शा नजर आता है जो आधा नजर आता है, सिर्फ रिक्शे के जाने के। अच्छा मुझे ये बता दे जहांगीर, अपना जहांगीर सिर्फ कि चोर कौन है इसमें? सर इसमें उसी जैसे इसने बंदे खुद ही ट्रेस कर लिए, आज इसकी चोरी हुई है सर। नहीं तो ट्रेस करना इनका काम है या इसने सर नामजद करवा दिया, हमने उसी वक्त सर रेड करवाया, उसका भाई पकड़ा गया। चोर कौन है? तफ्तीश का काम नहीं कि वो ये समझे कि चोर कौन है, रेड की बात नहीं है, तफ्तीश की बात है, इन्वेस्टिगेशन की बात है। तफ्तीशी को खुद कितने दिन हो गए इस केस को आपके पास आए हुए, मुकदमा कब दर्ज हुआ है? फुल कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरे पास हफ्ता हो गया है या 2 हफ्ते हुए हैं? ये तकरीबन अभी 2 हफ्ते पूरे भी नहीं हुए, 2 हफ्ते पूरे भी नहीं हुए। तो देखो ना 4-5 दिन में जहन तो बन जाना चाहिए ना तफ्तीशी का, क्या है ये जी सर, आपका ये भी जहन नहीं बना तो तफ्तीशी साहब ऐसे तो बात नहीं बनी। तो आपने अभी कर ली होती, 2 हफ्ते हो गए हैं ठीक है, बस बात हो गई हमारी, और क्या आप मुझे बताना चाह रहे हैं? अगर आपने इसी तरह चलाने आगे तो फिर गुजारा है, फिर हम देख लेंगे, अगर हल करना है तो फिर आगे बताएं, आके आप हल आके बताएं, शोका से जान छुड़ाएं, नहीं तो मैंने उस पर सजा दे देनी है, डिसिप्लिन ठीक होना है। 2 हफ्ते में अगर ये नियम ही समझ कि किसने किया है तो फिर गलत है हम। क्या है सर? कौन से कार इंटरव्यू होने के लिए नहीं, तो पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? तो मैंने तो खारिज हुई है तो पकड़ ही नहीं। बात कराओ जरा, तफ्तीशी से बात कराएंगे या किससे बात करेंगे? सर मैं 3-4 दफ़ा इनके पास गया हूँ, मैं सर गरीब आदमी, इनकी दमानत हर क्षेत्र को भी सर। अच्छा माजिद, ये एक केस है 755/23 अब्दुल गफार मेरे पास आए हैं जी सर, तो इसमें वो गिला ये कर रहे हैं कि दो मुलजमान को तो बेगुनाह कर दिया गया है जबकि बाकी मुलजमान गिरफ्तार नहीं कर रहे सर।
और इनकी जमानत भी 6 तारीख को खारिज हो चुकी है सर। ये आपको पता है या तफ्तीश अफसर से पूछना पड़ेगा? सर ये मेरे पास परसों आए थे सर, इनके सर मुलजिम है हरे वाला के सर, उनके सर मैं लोकेट उनको कर रहा हूँ सर, और ये बाकी जो मुलजिम ये गिरफ्तारी बेगुनाह की सर बात कर रहे हैं पहले सर, उनकी खैर है जो बाकी पकड़े जाने हैं वो क्यों नहीं पकड़ पा रहा है आईओ? सर वो पकड़ लेते हैं सर। ठीक है, इसमें भी आईओ को शुकाज? जी सर, आईओ को शुकाज देते हैं इसमें, अगर वो पकड़ लेता है ठीक है विद इन द ड्यू टाइम तो हम उसको शोकॉज फाइल करेंगे, अगर वो नहीं पकड़ पाता तो हम उसको सजा देंगे। ठीक हो गया, ओके सर। मैं उनके पास रोजाना जाता हूँ सर, ये कभी कहते हैं ना फ्री नहीं है, अब ना पकड़े तो हम उनको सजा देंगे। अल्लाह।